जिस टाइम हमारी उनकी गोली चली तो सबसे पहले पुलिस वालों ने हमसे इस बात को कहा कि निर्भय सिंह की बात को ध्यान रखना कि एमपी पुलिस आ रही है कि आप इस क्षेत्र में आप रुकिए। तो हम वहीं रुक गए। हम भाई ऐसा है कि क्षेत्र वाली बात तो क्षेत्र में ऐसा व्यवहार हम भी बनाए, जनता से भी बनाए, पुलिस से भी बनाए, राजनेताओं से भी बनाए, सबसे बनाए थे। तो इन लोगों ने कहा कि यहीं रुक जाओ, उधर न मत जाना। और सुबह सहसों पुलिस ने ही मेरे साथ दुर्घटना की। तो हमने समझा एमपी और यूपी दोनों मिलकर के हमसे गोली, तो वहाँ सामान मेरा सभी छूट गया, केवल राइफल पट्टी लेकर के मैं चले वहाँ से। तो उसमें वहाँ कुछ जेवर भी रह गया, कपड़े लत्ते रह गए सब। जब वहाँ पहुँचे तो हमने सबसे पहले सूचना की थाना सहसों को, हमने ऐसो अगर आपने गोली चलाई तो मेरा सामान तुरंत मुझे चाहिए। तो थाना सहसो ऐसो बोले कि ऐसा है कि निर्भय सिंह मैंने तो आपके साथ गोली, एमपी पुलिस ने ही गोली आपसे चलाई। तो वहीं से हम सीधे गए एमपी से, मैंने तीन अपहरण किए, तीन अपहरण ठाकरों के ही। तीन अपहरण करके जब ले आए तो एमपी पुलिस वालों ने अरविंद, रामवीर, सलीम वगैरह के डंडा डारा, बोले कि मेरे अपहरण मुझे चाहिए। अच्छा इनके आदमी सिर्फ गए पकड़। उसके बाद में तुरंत इन्हें कही कि हमारे पास नहीं है, तो हमारे पास भी लोग आए एमपी के जितने पुलिस मुखबर आते भी मेरे पास आए, कुछ एक दो पुलिस वाले भी आए मेरे पास। नहीं जी बताओ निर्भय सिंह, हमने तो तुमसे गोली नहीं चलाई, सहसों वालों ने गोली चलाई तुमसे, तो हमने कि उनको भी मजा चखा देंगे हम। तो सीधे गए, उसी दिन मैंने 14 आदमों का अफर किया। हमने मुलायम सिंह सरकार, अगर मायावती की सरकार में अगर हम राष्ट्रीय पक्षी पकड़ सकते हैं तो इस टाइम के यादव नहीं पकड़ सकते हम। तुरंत मैंने उनको पकड़ लिया। उसके बाद में पुलिस का सहयोग, पुलिस वालों ने कहा कि भाई ये सरकार है कछु करो कैसे निमटाओ। तो यहाँ से राजनेता भी लग गए, बोले इसी टाइम पे मुझे अपहरण चाहिए। मैंने कहा चाहे राजनेता हो या पुलिस हो, निर्भय सिंह छोड़ने वाले इंसान नहीं है, पहले मुझे सामान चाहिए। तो उनने जो जिब्राइत थी तो वो तो तुरंत मुझे वापस करी। बिन्ने की अगर हमारे ये लिख चुको है अब ये सामान कहाँ जाएगा, सब पत्रकार यहाँ बब्बर बोल देंगे कि क्या ले, टीवी वगैरह सीडी वगैरह सब चली गए, हम ये नहीं दे पाएंगे, कछु करो माफ़ करो। तो हमने इसकी मुझे कैश चाहिए। तो उन लोगों ने यादव छुटवाने में पुलिस ने ही चंदा किया, और सब लोगों ने 1,00,000 रुपये मुझे सामान का दिया, मेरा पूरा जेवरात वापस किया। इस तरीके से लहंगा चुनरी नहीं दी मुझे। बिन्ने ने कही कि दूसरा खरीद के दूसरी दही, बिन्ने की जाए माफ़ कर दे, वो लिख चुकी गई, कीमत ले रही थी उससे।